खबरें जो आपको जगा दें। नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हुआ कटोरे न्यूज के साथ। जनता के बीच जनता की राय जानने की राहुल गांधी ने एक बार फिर से अडानी का मुद्दा उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि अडानी का रिश्ता क्या है मोदी सरकार से, क्योंकि लगातार जो है आरोप बढ़ते जा रहे हैं। वो कह रहे कोयला घोटाला सामने आया जिसमें मोदी जी अभी भी चुप है, लेकिन जनता क्या सोचती है इस बारे में, जनता सीधा रुख करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे देखते हैं कि अडानी का मुद्दा फिर से राहुल गांधी लेकर आ रहे हैं? तो इनके पास अब मुद्दा है भी नहीं ना, बेरोजगारी और वो तो ये तो चल ही रहा है और चलता रहेगा। अब अडानी पे आए हैं तो अडानी तो पहले अपने जीजाजी से पूछेंगे, वो 15 करोड़ से 1500 करोड़ पे पहुंच गए। रही बात उनको डीएलएफ वाला तो कांड सबको मालूम है, राजस्थान में इन्वेस्टमेंट इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट अडानी ने, उनसे पूछे। अडानी का फीता काटने वाले यही लोग हैं वहाँ पे, छत्तीसगढ़ में जो कर रही है कांग्रेस उनसे पूछे। मोदी जी से पूछना क्यों चाहते हो? मोदी जी तो एक प्रधानमंत्री हैं, वो देश का जो भी पूंजीपति है, वो हर गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट सत्ता में है वो पूंजीपति के साथ रहती है, उसके साथ मिल के चलता है। बैकडोर से पूंजीपति ही सरकार को देश को चलाते हैं, समझ रहा हो? वो जो मोदी जी कर रहे हैं ये परंपरा है, हमारे देश में पूंजीपतियों के साथ सरकार हमेशा रही है मिलके, क्योंकि भाई उनको इकोनॉमी भी देखना है, जनता भी देखनी है। तो राहुल गांधी को पूछना है तो अपने जीजाजी से पूछ लें या फिर अडानी से खुद डायरेक्ट पूछें, क्योंकि वो भी तो इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं अपनी, उनकी सरकारें ले रही हैं छत्तीसगढ़ में, समझ रहे हो? वो कह रहे इंडोनेशिया जाता है कोयला, वहां से दुगने दाम में होकर आता है, बिजली की जो है आज कीमत बढ़ चुकी है देश में। कोई बात नहीं, इंतजार करें। इन्होंने कोयला घोटाला तो बहुत चर्चित हुआ था, कोयला घोटाला, इनके घोटाले तो बहुत वर्ल्ड फेमस हैं, समझ रहे हो? अगर मोदी जी ने ऐसा करा है तो मोदी जी का भी सामने, जो सरकारें कर रही हैं, अभी केजरीवाल के रहते ही आया उनका घोटाला। घोटाले नहीं छुपते भाई साहब, घोटाला ऐसा दाग है जिसमें किया वो पीछा नहीं छुड़ा सकता। मोदी जी ने नहीं किया है 9 सालों में कुछ, तो इसलिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जिस दिन इनके पास मुद्दा हाथ लग जाए ये देख लेना, रात भर नहीं सोएंगे और उलझुल बातें अभी कर रहे हैं, वो मुद्दे वाली बात करेंगे, मुद्दा है नहीं, भटके हुए हैं अभी, ये भटकते ही रहेंगे। जब तक ये भटकते रहेंगे तब तक इनको कोई सॉलिड मुद्दा नजर तो आ ही नहीं रहा है ही नहीं। अगर होता मोदी जी का परिवार, उनके बाल बच्चे बड़ा लंबा चौड़ा परिवार होता तो ये मुद्दा इनको यही रहता कि जी ये देखो अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं। मोदी जी के 4 भाई हैं और 6 भाई हैं, चलो 4 ही करो, 6 सही 6 भाई हैं। मुझे कोई बंदा बता दे कि मोदी जी ने अपने भाइयों को कोई फायदा पहुंचाया हो 9 साल में। उनके एक भाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, एक किराने की दुकान खोल के बैठे हैं, एक कोयले का टाल चला रहे हैं, मतलब अपने परिवार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। बात पे मैं थोड़ा सा ऐड कर दूंगा। दूसरी बात आपको बताऊं, दूसरी बात ये कांग्रेस चाहे जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, 52 पार्टियां हैं माइनॉरिटी के लिए, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए और उठा रहे हैं। 100 करोड़ हिंदू है, उसकी आवाज़ उठाने के लिए 2 भगवादारी हैं, और वो 2 भगवादारी दोनों बिना परिवार के हैं, सिर्फ वो देश के लिए देश को समर्पित हैं। उनका उठना सनातन धर्म की रक्षा, तो क्या उन्होंने बुरा, हिंदुओं का देश है, चलो ठीक है हिंदुओं का देश, हिंदू ही तरस गया राम मंदिर के लिए, अब इनके कार्यकाल में बन गया तो इनके पेट में दर्द हुआ। पहले कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे मंदिर कब बनाएंगे, बहुत सारे चले उस समय जब तक नहीं बना था, अब बन गया तो वो उन्होंने नहीं बनवाया। तो यही चीज़ है कि जब वो मोदी जी ने बड़े बड़े मुद्दे सुलटा दिए, इन्होंने सेना पर सवाल उठाया, कितनी बड़ी बात है। अगर तुम देश के हो तो देश के, सेना तो देश की है ना, मोदी जी की तो नहीं है, उस पर भी तुम सवाल उठाते हो, सबूत मांगते हो, अपने सेना का मोरल डाउन करते हो, तुम बाहर जाके विदेश में देश की बुराई करते हो अंग्रेजों के सामने, तो क्या मानसिकता है तुम्हारी? यानी आज भी तुम आधे अंग्रेज हो, तुम्हारी मानसिकता अंग्रेजों से ही है, जो गुलामी करते आए उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो। तो मैं बता रहा हूँ इन चीज़ों से ये हटें और जो अपनी छवि है पहले ये सुधारें और ग्राउंड लेवल पर आके काम करें, तब जाके राहुल गांधी चाहे जो भी पक्ष में लोग बैठे हैं, पारिवारिक लोग सारे परिवार वाले हैं, सारे परिवार वाले हैं, एक भी एक को छोड़ दो सारे परिवार वाले, अब वंशवाद तुम छोड़ के तुम आओ ना ग्राउंड पे, जनता से कनेक्ट करो। मोदी जी जनता से कनेक्ट करते हैं, आज जो मोदी जी ने जितने काम कर दिए उतने काम तुम करते तो 15 घोटाले बाहर आ जाते, हर चीज़ में घोटाला होता, पहले कोई भी चीज़ होती थी हर चीज़ में घोटाला निकलता था, अब देख लो क्या हालत है यहीं दिल्ली की, दिल्ली के केजरीवाल के 3 गद्दावर मंत्री जो हैं वो शराब घोटाले में अंदर हैं।
और केजरीवाल पे भी शिकंजा कसेगा कल को, तो फिर हाय हाय चिल्लाएंगे। क्योंकि जब तुमने विड्रॉल नहीं करना था, क्यों किया तुमने, ठेके क्यों बदले, विड्रॉल किया ना तुमने, जब तुम्हें लगा कि हाँ भाई अब फंस सकते हैं तो विड्रॉल कर दिया उसको। केजरीवाल को मैं बता रहा हूँ, केजरीवाल का ही नंबर है, अगर ये जाते हैं तो सारे बिल बिलाएंगे इनके साथ। ये केजरीवाल को सीधी आंख नहीं देख रहे थे, केजरीवाल ने रिप्लेस किया है कांग्रेस को, कांग्रेस को यहाँ से ले जाने वाला, सुपड़ा साफ करने वाला केजरीवाल है। पंजाब में कांग्रेस आती वहाँ भी वही है, अपने राज्यों में तुम इन्हीं के खिलाफ हो और वहाँ पे तुम हाथ मिला के पब्लिक को ये दिखा रहे हो कि हम एक हैं। देखिए, कांग्रेस ने अपने 39 अभी विधायक घोषित किए हैं छत्तीसगढ़ में, हर राजस्थान में किए हैं, और उनके पैरेलल केजरीवाल अपने विधायक घोषित कर रहे हैं। इंडिया अलायंस में रहते हुए केजरीवाल भी अपने वो क्या लगता है, वो कह रहे हैं कि लगातार जो है ईडी सीबीआई के छापे विपक्ष पर पड़ते हैं, लेकिन आज तक अड़ानी पर कोई भी उंगली नहीं उठाई बीजेपी सरकार। बता दूं, जब अपने घर में ना कोई गलत हो तो जब उसको आदमी सजा देता है ना तो शोर नहीं मचता, शोर मचता है पड़ोसी के घर में किसी को पकड़ लिया, तो वही हो रहा है। इन अपने जो हैं वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको पता है ऊपर जो बैठा वो ईमानदार है, उसके उसके पास सिर्फ ईमानदारी के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए जो है इनके में जो भी लोग आ रहे हैं आज नहीं तो कल, वो भी डरे हुए डर के आ रहे हैं, अपनी ये मर्जी से नहीं आ रहे, अपने को बचाने के लिए इस पार्टी में आए हैं। और जो ये विपक्ष में हैं जिन्होंने गलत किया है वो जरूर फंसेंगे, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं जरूर फंसूंगा, मेरे को मन में डर रहेगा। इसलिए 70 साल से कांग्रेस ने पाले हुए थे, उस सारे समस्या को समाधान मोदी ने किया, गांधी जी के साथ रिश्ता नहीं बता पाए अब तक कि मोदी जी का अडानी से रिश्ता। मैं बता रहा हूँ, मोदी जी का अडानी का संबंध जो है वो देश को आगे बढ़ाने का संबंध है, देश को विकास की ओर ले जाने। मैं बताता हूँ अडानी, एक मिनट, अडानी वाला जो मामला है, देखो अडानी को बेचा कुछ नहीं है उन्होंने, ये सारी चीजें जो रेल बेच दिया वो रेल की हालत सुधर गई, प्राइवेटाइजेशन करना बहुत जरूरी था, वहाँ पे इतनी गंदगी थी, वहाँ पे इतने कम करप्शन थी, जो ये टिकट बुक कराते थे एजेंटों के थ्रू, ये सारी सहूलतें अब फोन से कर लो, तुम सीट बुक कर लो, ट्रेनों की दशा सुधर गई, स्टैंडर्ड बढ़ गया ट्रेनों का, हर चीज में फैसिलिटीज बढ़ गई, समझ रहे हो। इसलिए जो है प्राइवेटाइजेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सरकारी नौकरी कर रहे थे वो हरामखोरी कर रहे थे, अब सरकार सबको नहीं संभाल सकती, हर विभाग को वो अच्छा खासा अपना वो ले रही है। अब देखो एयरपोर्ट है मुंबई का, बॉम्बे का एयरपोर्ट है, तो जीएमआर कंपनी और उसके साथ एक बाहर की कंपनी दोनों ने मिलकर लिया था, उससे अडानी ने उसको टेक ओवर किया। भैया तुमने, तुम्हारी सरकारों ने तो दिया था बाहर वालों को, उससे अपने देश का अगर बंदा उसको टेक ओवर करके और उसका अच्छा खासा प्रॉफिट। क्या रिश्ता है मोदी और अडानी का? देखिए, मोदी अडानी का देश की जो भी डीजीपी हमारे देश की हालत को सुधारने के लिए जीडीपी, उसके लिए ये दोस्ती समझिएगा, हाथ मिलाए हैं तो देश को आगे ले जाएंगे, आने वाले समय में हमारा बिल्कुल विश्व गुरु बनने को तैयार है मेरा भारत। G20 सम्मेलन में हमारे भारत का नाम और सम्मान दोनों हुआ है, जिससे हमें गौरव की अनुभूति होती है कि नरेंद्र मोदी जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं। मैं तो कहता हूँ हर आने वाली पीढ़ियों को भी बता देना चाहिए कि अगर वो कमल के फूल के अलावा किसी को वोट ना करें। बताऊँ, अडानी ग्रुप में 15 करोड़ लोग रोजगार हैं, उनका काम करते हैं, अडानी ग्रुप में प्राउड से फील करते हैं, उनकी शादी ब्याह जो है ये होता है जी हम अडानी ग्रुप में बड़ी ब्रांड में काम करते हैं, उनके घर परिवार चल रहे हैं। अडानी ने ये नहीं है तुम्हारी तरह, उनने रोजगार दिया लोगों को, समझ रहो, जो अपने देश का है वो अपने देश का है। इसलिए तुम्हें अगर कुछ करना बाहरी से बात करो, तुम जाते हो ना इंग्लैंड, कोई बाहरी तो नहीं है ना, ठीक है, बाहरी तो नहीं है। लगता है कि बिजली महंगी है अभी? कोई बिजली महंगी नहीं है, चाहे महंगाई कितनी हो जाए, पेट्रोल 500 लीटर ले जाए हो जाए, वोट मोदी को ही दूंगा, वोट मोदी को ही दूंगा।